तुम्हारे को ये टीजर देख के कहीं ना कहीं टॉप गन की सबकॉन्शियसली याद आएगी, क्योंकि प्लेन्स को वैसे उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ये कॉपी नहीं है। ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। हाय गाइस, मैं शांतनु और फाइनली ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर का टीजर ड्रॉप हो चुका है। काफी एंटिसिपेटेड फिल्म है ये 2024 के लिए, क्या पता सबसे बड़ी फिल्म भी बन जाए 2024 की, पर वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 1 मिनट 13 सेकंड का ये टीजर है, बट देयर इज सो मच टू डिस्कस इन हियर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ऑब्वियस चीज के बारे में, जो एक इनएविटेबल चीज है और वो होनी ही होनी है। इसका टीजर आए या ट्रेलर आए या फिर पिक्चर आए, इस पिक्चर का यानी कि फाइटर का कहीं ना कहीं कंपैरिजन करा जाएगा टॉप गन से। तो क्या ये कंपैरिजन करना सही है? तो यार यहां पे बात समझने वाली ये है कि टॉप गन दोनों पार्ट्स एरियल कॉम्बैट की लैंडमार्क फिल्में हैं। अब चाहे बॉलीवुड कोई एरियल कॉम्बैट पे फिल्म बनाए, ब्रिटिश सिनेमा बनाए, स्पेनिश सिनेमा बनाए या फिर फ्रेंच सिनेमा ही क्यों ना बनाए, कोई भी अदर देन हॉलीवुड अगर बनाता है एरियल कॉम्बैट पे फिल्म, तो लाजमी सी बात है कि उसका टॉप गन से कंपैरिजन होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो वो दूसरी फिल्म है वो खराब है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि टीजर में जैसे फाइटर जेट्स मैनूवर करते हुए दिखाए गए हैं हमारे को, वो बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं विद द मैनूवरिंग दैट वाज शोन इन टॉप गन बोथ द पार्ट्स। अब ये बात सच है, तुम्हारे को ये टीजर देख के कहीं ना कहीं टॉप गन की सबकॉन्शियसली याद आएगी, क्योंकि प्लेन्स को वैसे उड़ता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन ये कॉपी नहीं है। ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। दुनिया की हर एयर फोर्स में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं एयर कॉम्बैट मैनूवरिंग। और इसी मैनूवरिंग में चार फंडामेंटल मनूवर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर प्लेन के मनूवरिंग बेसिक्स में आते हैं, और वो होते हैं स्ट्रेट एंड लेवल, फ्लाइट, टर्न्स, क्लाइम्स एंड डिसेंट्स। अब इन चार एयर कॉम्बैट मनूवरिंग के फंडामेंटल मनूवर्स को आगे जाके मॉडिफाई कर दिया जाता है बेसिक फाइटर मनूवरिंग में, जो अब हर एयरफोर्स अपने हिसाब से तब्दील कर लेती है, बट मोर और लेस वो सेम सा ही लगता है देखने में। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम टॉप गन देखोगे, मैवरिक देखोगे या पहली वाली देखोगे या फिर कोई भी अदर एयर कॉम्बैट फिल्म देख लोगे किसी और सिनेमा की अपार्ट फ्रॉम हॉलीवुड, और फिर तुम फाइटर का टीजर देखोगे, तो तुम्हारे को लगेगा कि भैया सिमिलर सा क्यों है। ये सिमिलर सा इसीलिए है क्योंकि ये सारे के सारे जो मनूवर्स होते हैं ये मोर और सेम ही होते हैं यार एयरफोर्स के। फॉर एग्जांपल अगर फाइटर में तुम्हारे को उनका ऋतिक रोशन प्लेन को क्लाइम करा रहा है, तो वो टॉम क्रूज भी करा सकता है क्लाइम उसको, और कोई और हीरो भी करा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये कॉपीड है, ये बेसिक एयरफोर्स मैनूवर्स हैं। तो फाइटर को सस्ती टॉप गन बोल देना इतना आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर देखनी पड़ेगी हमारे को कि अगर क्या पता भैया सारे के सारे मनूवर्स जो टॉप गन दोनों पार्ट्स में हमने देखे हैं अगर इन्होंने हाल फिलहाल में पूरे के पूरे कॉपी कर लिए होंगे, देन मे बी इट्स सस्ती कॉपी, लेकिन अभी टीजर से वो नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं VFX की। 1 मिनट 13 सेकंड में हमें जितने भी एरियल कॉम्बैट के शॉट्स देखे, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। एज फार एज आई कैन गेस टीजर को देखने के बाद, तो कई शॉट्स में ऐसा लग रहा है इन्होंने एक्चुअल प्लेन के कॉकपिट्स में शूट करा है और फिर उसको मर्ज कर दिया है VFX से, to make it look like that they are actually flying fighter jets. ये एक्सपेक्ट कर लेना कि अब इनकी टीम जैसे टॉप गन मैवरिक की टीम ने एक्चुअली में फाइटर जेट्स पे ट्रेन किया था, लेकिन टॉप गन मैवरिक का बजट इससे ऑलमोस्ट 10 से 20 गुना भी था। तो ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि हाँ भाई तुम्हारे को हर शॉट में एक्चुअल प्लेन्स ही दिखेंगे, पर ट्रेलर की वेट करते हैं, क्या पता ट्रेलर में हमारे को और ज्यादा लॉन्ग शॉट्स दिखाई जाए, वाइडर शॉट्स दिखाई जाए जहां पे एक्चुअल में फाइटर जेट्स उड़ते दिखें। फिल्म सिद्धार्थ आनंद की है तो बहुत स्टाइलिश तो होगी ही होगी, वो देखने से भी लग रहा है, कलर की वाइब्रेंसी भी बहुत अच्छी होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा होगा, ये सारी चीजें सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों में गिवन है। बट एक और चीज सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में गिवन है दैट आई एब्सोल्युटली डिसलाइक, और वो है सीरियस टॉपिक्स को एज सीरियस एज द इंडियन एयरफोर्स को भी ग्लैमराइज कर देना। बड़ी सेफली इन्होंने टीजर के अंदर बहुत लॉन्ग शॉट्स नहीं दिखाए हैं किसी भी आइटम नंबर के, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्प्लिट सेकंड में दीपिका और ऋतिक के एक हिंट कर दिया जाता है कि इनका एक आइटम नंबर है ही। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भैया एयरफोर्स की पिक्चर के अंदर आइटम सॉन्ग का क्या मतलब बनता है, उसको तुम्हें क्यों ग्लैमराइज करना है। वी वॉन्ट टू सी डॉग फाइट्स, वी वॉन्ट टू सी प्लेन्स गोइंग आफ्टर ईच अदर, वी वॉन्ट टू सी हाउ मच मनी, हाउ मच ब्रेन्स, हाउ मच इंटेलिजेंस यू हैव इन्वेस्टेड इन टू दिस मूवीज VFX एंड साउंड क्वालिटी, नॉट दीपिका को बिकिनी में नचा दो तुम। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई तुम एयरफोर्स में फीमेल पायलट वैसे ही बहुत रेयर होती हैं, और फिर तुम उसको भी ज्यादा ग्लैमराइज कर दो, तो भैया वो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, क्यों पढ़ रहे हो उन चक्कर में। फोटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, इनफैक्ट शुरू के 20 सेकंड जो ट्रेलर के होते हैं इतना जबरदस्त ट्रेलर काटा हुआ है दैट इट शोज कि इन्होंने BGM पे भी बहुत जबरदस्त काम किया है। एंड इनफैक्ट ऐसी पिक्चरों में जो एड्रेनलिन का रश देता है, जो पीक मोमेंट, जो एलिवेटेड मोमेंट्स को एक्चुअली में फील देता है, वो BGM ही होता है। अब यह देखना है कि ट्रेलर में और फिर फाइनली पिक्चर में BGM कैसा होता है। अच्छा BGM की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज को आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली नॉट सी बट लिसन, और वो है कि इन्होंने जेट इंजन की प्रोपल्शन साउंड्स को कैसे कैप्चर किया होगा।
बस कहानी से मैं फिंगर्स क्रॉस करके यही एक्सपेक्ट करूंगा कि भैया ये ज्यादा से ज्यादा सीरियस हो। इट टेल्स अस मोर एंड मोर अबाउट हाउ द इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट हैपेंस, नॉट कि भैया बिकिनी में और कच्ची में वो नाच रहे हैं दोनों के दोनों, वो कोई मिल गया कर रहा है, वो टिडिंग टिडिंग कर रहा है, भैया ये सब मत दिखाना हमारे को, ये नहीं देखना, हमारे को देखनी है सीरियस एयरफोर्स कॉम्बैट फाइट्स। तो भैया ओवरऑल टीजर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि तेजस और भुज आई थी इससे पहले सो कॉल्ड एरियल कॉम्बैट में फिल्में, पर वो एरियल कॉम्बैट कम गधे की गेंद ज्यादा थी, तो भैया उनको तो पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन से तुम निकाल ही दो। विच मेक्स फाइटर द नंबर वन मोस्ट एक्सपेंसिव एरियल कॉम्बैट फिल्म एवर मेड इन बॉलीवुड। और सिर्फ इस टीजर के बेसिस पे फाइटर को ये बोलकर डिसमिस कर देना कि ये सस्ती टॉप गन होगी, ये मेरे हिसाब से बहुत अर्ली होगा और बहुत गलत होगा। अभी अब डिबेट करते हैं इस पिक्चर के ट्रेलर का जो आएगा ऑलमोस्ट अर्ली नेक्स्ट मंथ यानी कि 2024 जनवरी में, और देखते हैं फिर ये पिक्चर कैसी होगी। तब तक के लिए मामा मिया लज़ानिया पप्पी बाय बाय। तुम्हें क्या लगा टीजर देख के कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो।